आज जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और वो संगति में सहमति के साथ हमारे साथ रहा, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो विषय है उसका उन्वान है, उसका जो शीर्षक है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हम किसके साथ रहे, हमारी संगति में कौन रहे और किस संगति के साथ रहते हुए हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। बहुत जरूरी है कि हम किसके संग संगति कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारा चलना फिरना किसके साथ है, हमारी सोच किसके साथ है, हमारे विचार किसके साथ मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है, हालेलुया। इसलिए आज का वचन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो संगति में है, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी संगति सही नहीं है मेरी बहन तो हम कभी भी आजमाइश में आ सकते हैं, हालेलुया। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:1-4 के बीच में, हालेलुया। मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूं उसके बाद हमारी बहन हमारे लिए पढ़ेगी। पहला पत्रस 3:1-4। इसी प्रकार हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जिसे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हो तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाएं। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी ना हो, जैसे बालों को गूंधना, सोने के आभूषण और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन ये तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, हालेलुया। जिब्राइल दूत ने जोसेफ को क्यों दर्शन दिया? ताकि परमेश्वर चाहता था कि जोसेफ जाने कि मरियम की कोख में पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है, हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि जोसेफ मरियम के साथ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जोसेफ भी धर्मी था, मरियम भी धर्मी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है बहन कि धरती पर हमारा साथी कौन है, हम किसके साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमारा साथी सक्षम मसीह होना चाहिए, सुदृढ़ मसीह होना चाहिए, चाहे वो हमारा पास्टर हो। अगर वो सही मसीह नहीं है तो खतरा है, अगर हमारा अगवा सही मसीह नहीं है तो खतरा है, अगर आपका साथी आपका दोस्त सही मसीह नहीं है तो खतरा है, अगर आपकी बीवी सही मसीह नहीं है तो खतरा है, अगर आपका पति सही मसीह नहीं है तो खतरा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आपकी संगति सही होनी चाहिए। मेरा साथ किसके साथ है, किसके साथ मैं जीवन बिता रहा हूं, किसके संग मैं अपने पलों को, अपने दिल की बात को, अपने विचारों को रख रहा हूं, कौन मेरी सुन रहा है, कौन मुझे समझ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई है जिसे कंधे पर रखकर आप अपनी बातें कहते हैं, कोई है जिसको आप अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कौन है? हमें किसे अपने मन की बातों को कहना है, हमें किसके सामने अपने मन को खोलना है, हमें किसके सामने, क्यों आप क्यों खोलते हैं अपने मन की बात अपने साथी के पास, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के पास क्यों खोलते हैं? ताकि आप अपनी उस कमजोरी को अपने साथी के सामने व्यक्त करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उससे शक्ति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपको उससे शक्ति मिले ताकि आपकी कमजोरी दूर हो जाए और आप आजमाइश में ना पड़े। इसलिए बाइबल कहती है कि आपका साथी मुकम्मल, आपका साथी सशक्त होना चाहिए। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा है अगर तू शादी करना चाहता है, अगर तू एक मसीह से शादी कर। अगर आप लड़के हैं तो लड़की मसीह ढूंढिए, अगर आप लड़की हैं तो मसीह लड़का ढूंढिए। लोग गलत समझते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धर्म में रहें। नहीं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरा बच्चा जिससे शादी करे, जिसके संग जीवन बिताए, वो अगर मजबूत नहीं है तो आप आजमाइश में आ सकते हैं। इसलिए वो चाहता है कि आप मसीह से शादी करें। क्यों शादी करें? क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, हर
हम शरीर में चल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम शरीर में जिंदगी बिता रहे हैं, हालेलुया। इसलिए कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं, किन्हीं पलों में हम कमजोर हो जाते हैं, किस बातों में हम कमजोर हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसे समय में अगर हमारा साथी, अगर हमारी पत्नी, अगर हमारा पति, अगर हमारा दोस्त, अगर हमारा अगवा, अगर हमारा पासवान मजबूत है मसीह में, तो वो हमें संभालता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति पत्नियों की लड़ाई तकरीबन हर घर में होती है, छोटी बोटी हर एक घर में होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर बाइबल कहती है क्रोध मत करो, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, तुम्हारा क्रोध शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा। अब अगर इस बात को पत्नी जानती है और पति क्रोध करता है, तो अगर पत्नी मसीह है तो वो उस क्रोध को शांत करेगी, ना कि उकसाएगी। वो जानती है कि अगर मैं उकसाऊंगी, अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी, तो मेरा पति क्रोध करेगा, और अगर क्रोध करेगा तो शैतान इसके जीवन में आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पत्नी क्या करेगी, अपने अहम को दबाएगी, अपने धीरज में परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपने पति की सहलेगी, क्योंकि वो जानती है कि मुझे पति कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे पति के अंदर शैतान नहीं आना चाहिए, क्योंकि शैतान से बचाकर तो यीशु मसीह लेकर आया है। कहीं भी कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे शैतान हमारे जीवन में आ जाए। हमें कोई ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी दौलत नहीं चाहिए, हमारा अहम नहीं हो पूरा, शैतान नहीं आना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा साथी हमें समझने वाला हो, हमारा साथी परमेश्वर के वचनों को समझने वाला हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम संसार के लिए नहीं, हम अपनी बीवी के लिए जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन हमारी बीवी सहायक होगी हमें परमेश्वर तक पहुंचाने में। इसलिए जेनेसिस में, उत्पत्ति में 2:18 में अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धरती पर अकेला जीवन बिताएं, क्योंकि जब हम अकेले होंगे तो हम आसानी से आजमाइश में आ सकते हैं। इसलिए हमारा साथी हमारे साथ होना चाहिए, और वो साथी जो विश्वासी हो, जो विश्वास में मुकम्मल हो। अगर हमारा साथी विश्वास में मुकम्मल नहीं है तो हम आराम से आजमाइश में आ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा कि नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए जेनेसिस उत्पत्ति 2:21-24 के बीच में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:21-24 के बीच में, कि परमेश्वर ने कैसे आदम के अकेलेपन को दूर किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इस वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि आदम का अकेला पन कैसे दूर किया परमेश्वर ने, आदम को आदम के साथ एक स्त्री के रूप में उसी के अंश को दिया। हेलो, पत्नी कौन है आपकी? पत्नी अगर आपका अंश नहीं है, अंश का मतलब शारीरिक अंश से ही नहीं है, पत्नी अगर आपकी सोच विचार की अंश नहीं है, पत्नी अगर आपके हृदय को नहीं समझती है, पत्नी अगर आपके स्वभाव को नहीं समझती है, पत्नी अगर आपके गुस्से को नहीं समझती है, आपके टेस्ट को नहीं समझती है, तो आप अपनी पत्नी के संग सही जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसलिए आदम को परमेश्वर ने नींद में डालकर उसके ही अंश की स्त्री बनाई, उसकी पसली से उसने स्त्री बनाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि वो एक रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो एक रहे। परमेश्वर ने हमें जो साथी दिया है वो हमें एक करने के लिए साथी दिया है, दो नहीं करने के लिए साथी दिया है।
इसलिए वो कहता है कि अगर आप मसीह हैं तो आपका साथी मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेविकाई की। यीशु मसीह अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहे, वो किसके साथ रहे? चेलों के साथ। अपने चेलों के साथ रहे मसीह का जिंदगी गुजारना। वो उनके साथ नहीं रहे जिनके संग जिनको उन्होंने 5,000 रोटी खिलाई थी, वो किसके साथ रहे? उन चेलों के साथ। परमेश्वर चाहिए था उनको, उनका साथी कौन था? परमेश्वर। और उनके साथी थे उनके चेले। कहीं और उन वो अपने मन को नहीं भटकाते थे। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए बाइबल कहती है कि हमें साथी कौन सा है, हमारा साथी कितना अच्छा है। हमारा साथी हो सकता है वो हमारी बात ना समझता हो, ध्यान दीजिए, हो सकता है आपकी सहेली आपकी बात ना समझती हो, आपके नेचर को ना समझती हो, हो सकता है आपका जो पास्टर है वो आपके नेचर को ना समझता हो, लेकिन अगर वो मसीह में सशक्त है उसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि वो मसीह में सशक्त है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपका साथी, आपका पति, आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपके अगवे, हो सकता है आपकी हर बात मानते हो, आप जो कहते हो वो मानते हो, लेकिन अगर वो मसीह में सशक्त नहीं है तो खतरा है, खतरा है। वो उनके द्वारा आप कभी भी आजमाइश में आ सकते हो, उनके द्वारा कभी भी आप प्रभु से दूर हो सकते हो, क्योंकि वो आपकी बात मान रहे हैं, वो आपको खुश कर रहे हैं लेकिन सच्चाई नहीं बता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी पत्नी सशक्त है, अगर आपका पति सशक्त है, अगर आपका पास्टर सशक्त है, तो वो आपको बोलेगा सच कि नहीं मेरी बहन आप गलत जा रही हैं, नहीं भाई मेरे भाई आप गलत जा रहे हैं, हे पति तू गलत जा रहा है, हे पत्नी तू गलत जा रही है, तुझे समझना है तो पीछे आ, क्योंकि हमारी मसीहत कहती है कि हम जो डगमगा रहे हैं, जो गिर रहे हैं, हमें उनको उठाकर फिर रास्ते पर लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कौन कर सकता है? मेरा साथी जिसको मुझसे प्यार है, जिसको परमेश्वर ने दिया है मेरे लिए। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, याद रखिए कि वो मसीह में सशक्त होना चाहिए, मसीह के वचनों पे सशक्त होना चाहिए, मसीह के अनुसार वो जिंदगी जिए, मसीह के वचनों पे चले, ये ध्यान दीजिए। इसलिए कलीसिया में अपने पति को लेकर आइए, कलीसिया में अपनी पत्नी को लेकर आइए आप, ताकि आपका जो साथी है, चाहे उसके पास कितना पैसा क्यों ना हो, अगर मसीह की शक्ति, मसीह का ज्ञान, मसीह की बुद्धि उसमें नहीं है, तो वो आशीष नहीं प्राप्त कर सकता। आपके अंदर मसीह की बुद्धि, हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो, हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो, आप कहें नहीं मुझे बहुत ज्ञान है, वचन कैसे चलता है, वचन पर कैसे चलना चाहिए मुझे पता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इतिहास बताता है कि बड़े से बड़े लोग भी आजमाइश में आ चुके हैं, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े पासवान, बड़े से बड़े रेवलेंस बिशप्स आजमाइश में आ चुके हैं। ऐसे समय में कौन उनको आजमाइश से निकालेगा? उनका साथी, उसका साथी, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो अगवे के रूप में हो, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो सहेली के रूप में हो, चाहे वो पासवान के रूप में हो। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 1:33-33 के, घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि परमेश्वर प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। तो घमंड हमें इस बात पे नहीं करना कि मैं ज्ञानी हूं, घमंड हमें इस बात पे करना है कि जिसके साथ मैं चल रहा हूं वो प्रभु का है। इसलिए अपना समय उनके साथ बिताइए जो प्रभु का है। उत्पत्ति 2:23 तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियां हड्डियों में की हड्डी और मांस मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। Genesis 2:23 क्योंकि यह नर में से निकाली गई है।
आगे 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक तन, फिलिपियों 2:2, वो एक तन और एक मन होके चलेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन से एक साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मान लीजिए आपको प्रभु के रास्ते पर चलना है और आपका, अगर आपके साथी और आपका मन एक है कि मुझे यीशु को पाना है, तो आपकी राह बहुत आसान होगी। प्रेज द लॉर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका साथी भी यीशु को चाहता है, आप भी चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका साथी संसार की तरफ देख रहा है और आप यीशु को देख रहे हैं, तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। आप आगे, वो पीछे, और उसको आगे करने में कहीं आप पीछे ना आ जाएं। इसलिए आपका साथी मजबूत मसीह, सक्षम मसीह होना जरूरी है। इसलिए मरियम और जोसेफ को देखिए आप। मरियम की कोख में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एक बीज डाला, प्रेज द लॉर्ड, और उसको बताया कि मरियम कुमारी मां बन रही है, लेकिन उसमें बीज परमेश्वर का है। जोसेफ ने अपनी मरियम को स्वीकार किया एज ए पत्नी और उसका साथ दिया। जब परमेश्वर ने कहा उसे मिस्र भाग जा, वो मिस्र भाग गया। वहां से उसने कहा गलील चला जा, गलील चला जा। वहां से नासरत आया, नासरत आया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो यहोवा को जानता था। वो जानता था कि मेरी मरियम के पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका पति, अगर आपका दोस्त, अगर आपका हमनिवा उसकी कीमत नहीं जानता जो आपके पास है। मेरे पास यीशु है, अगर मेरी पत्नी मेरे यीशु की कीमत को नहीं जानती, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरा साथी जो मेरे साथ रहता है, वो उस कीमत को जाने जो मेरे अंदर है। जोसेफ जानता था उस कीमत को, इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके संग रहता था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में एक कुमारी का मां बनना बहुत ही गुनाह था, पाप था। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ खतरे में था, उसको लोग मार भी सकते थे, वो गिरफ्तार भी हो सकता था। एक पापिन का साथ दे रहा उनके हिसाब से, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि वो उस कीमत को जानता था, उस आज्ञा को जानता था, उस परमेश्वर को जानता था। इसलिए उसने साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी बताया कि मैंने तेरा साथ दिया है। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मां बाप चले गए, फिर ढूंढते हुए आए कि हमारा बच्चा कहां पर है। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा वो मंदिर में है। यीशु मसीह ने, मरियम ने कहा, अरे तुम कहां थे, हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं। यीशु ने कहा, माता मैं अपने पिता के घर में था, तू मुझे कहां खोज रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने हमेशा संगति पिता से की, कलीसिया से की। कलीसिया एक संगति के रूप में हमें दिया गया है, हमें संगति करनी है कलीसिया में आकर। कलीसिया आना, परमेश्वर के वचनों पे चलना, परमेश्वर के जनों से मिलना यहां तक सीमित नहीं है। हमें अपने जीवन को जिस तरीके से, सुनिए, एक जो प्लेयर होता है, आज सचिन तेंदुलकर बहुत माना हुआ एक क्रिकेट का प्लेयर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी कहानी हमने पढ़ी, हमने सुनी। उसको बताया कि जब वो छोटा सा बच्चा था, लगा रहता था, 4-4, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता था। किसकी प्रैक्टिस करता था? क्रिकेट की। प्रेज द लॉर्ड। फुटबॉल की नहीं करता था। उसे आगे बढ़ना है क्रिकेट में और वो फुटबॉल खेले, ऐसा तो नहीं था। प्रेज द लॉर्ड।
उसे क्रिकेट में आगे बढ़ना तो क्रिकेट की ही प्रैक्टिस करता था। हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है तो हमें वही माहौल चाहिए हमारे आसपास। हम अगर ये समझे कि नहीं हम दूसरे माहौल में रहकर भी यीशु को पा सकते हैं, मेरी बहन प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसी कोशिश मत करिएगा, ऐसी कोशिश मत करिए। प्रार्थना करिए, अगर आपका पति थोड़ा सा कम है प्रार्थना करिए वो आपका प्रभु यीशु के चरणों में आए। प्रार्थना करिए कि एक साथ एक मन होकर हम साथ में काम करें। फिलिप्पियों 2:2, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, और एक मन, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अब दो इंसान एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, उनके रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी, हर रुकावट दूर हो जाएगी। आप इधर जा रहे हैं, आपकी पत्नी उधर जा रही है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, देर हो जाएंगे। इब्रानी जो थे जंगल में आए थे, 11 दिन का रास्ता, प्रेज द लॉर्ड, उस प्रॉमिसिंग लैंड तक, लाल समुद्र से लेकर प्रॉमिसिंग लैंड तक पहुंचने का कितने दिन का रास्ता था? 11 दिन का रास्ता। क्योंकि वो एक मन नहीं थे, एक दृष्टिकोण उनका नहीं था, एक ही प्रेम नहीं था, तो 40 साल लगा दिया उस रास्ते को पार करने के लिए, 40 साल लगा दिए। कितने दिन का रास्ता था? 11 दिन का रास्ता। इसलिए अगर हम, हमारा साथी परमेश्वर में मजबूत नहीं है, एक मन से हम आगे नहीं बढ़ रहे, एक प्रेम से आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा दृष्टिकोण एक नहीं है, तो बहन हमारी जो मंजिल है हमें दूर लगेगी, दूर लगेगी। लेकिन अगर हमारे साथी का मन एक है, विचार एक है, दृष्टिकोण एक है, प्रेम एक है, तो हमारी मंजिल लगेगी, अरे ये मंजिल है हमारी, प्रेज द लॉर्ड। और हमें लगेगा हमारी मंजिल हमसे कोई नहीं छीन सकता, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आएगा और हम दोनों को लेकर जाएगा, हालेलुया। जब हम एक होंगे तो हमारी मंजिल भी हमें एक लगेगी, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है एक मन एक दृष्टिकोण के साथ काम करो। यहोशू 1:5 मूसा परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के संग रहता था सीनै पर्वत पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहोशू, उसकी संगति किसके साथ थी? मूसा के साथ थी। वो उस संगति में रहता था 40 दिन 40 रात, मूसा पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के संग बातें करता था, और यहोशू उस पर्वत के नीचे नीचे इंतजार करता था, प्रेज़ द लॉर्ड। उस संगति को, उसकी कीमत को समझते हुए कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप घर में बाइबल पढ़ेंगी, आपका पति या आपकी पत्नी अगर उसकी कीमत को समझते होंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप प्रार्थना कर रही हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका साथी मसीह है तो उसकी कीमत को समझेगा, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप व्याकुल हैं, अगर आप डिस्टर्ब हैं और आपका पत्नी आपके पति अगर उस कीमत को समझेंगे तो वो भी प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप नहीं जानते हैं कि अगर आपका साथी मजबूत और सक्षम है, आपकी विजय निश्चित है, आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि आपको संभालने के लिए परमेश्वर ने आपका साथी दिया है, और एक सहायक जो यीशु मसीह ने दिया है, और वो कौन सा सहायक है? पवित्र आत्मा। क्या कहा यीशु मसीह ने कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं, एक साथी भेज रहा हूं। साथी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है
आपका साथी कौन है, आपके पड़ोस में बैठने वाला कौन है, आपके दिल के करीब कौन है, आप किसके संग अपना समय बिताते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने प्रभु के करीब हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने प्रभु से प्यार करते हैं। अगर आपकी दिनचर्या संसारिक लोगों से बीतती है, और अगर आपका साथी मजबूत नहीं है, तो उसे मजबूत बनाइए, बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को क्या कहता है जोशुआ 1:5 में, देखिए, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किससे कह रहा है? यहोशू से। क्यों? क्योंकि तेरी संगति मूसा के साथ थी। तूने बिना स्वार्थ के प्यार किया है। तूने ये नहीं कहा कि मूसा मेरे परिवार के लिए मेरे लिए भी मांग ले, मैं यहां 40 दिन 40 रात खड़ा हूं, परमेश्वर से बोल कि मुझे भी कुछ मिले। नहीं, बिना स्वार्थ के यहोशू उस संगति में खड़ा था, बिना स्वार्थ के वो उस संगति का हिस्सा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ, याद है आपको? हेलो, क्या हुआ? परमेश्वर की संगति जो मूसा के साथ थी, उसका हिस्सा यहोशू बन गया। कहां खड़ा था वो? पहाड़ के नीचे, 9,500 किलोमीटर नीचे। 9,500 मीटर नीचे कौन था? यहोशू खड़ा था। मूसा और परमेश्वर बात कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हुआ क्या, क्या हुआ? जो मूसा और यहोशू बात कर रहे थे, यहोशू समझ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। 9,500 फीट नीचे उसको समझ में आ रहा था कि परमेश्वर ने क्या बात की है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो संगति में था। हालेलुया। आपके मन में क्या है, आपके मन में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, ये आपका साथी समझ जाएगा, अगर वो मसीह में होगा तो। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो आप उपवास रखेंगे, आपके सामने वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। हालेलुया। आपके साथी, किसके लिए आपका साथी दिया परमेश्वर ने? ताकि आपको मजबूती दे, ताकि आपको ताकत दे। यहोशू को ताकत कहां से मिली? उस संगति से। मूसा और यहोशू योजनाएं बना रहे थे, और वो योजनाओं का पता यहोशू को लग रहा था। प्रेज द लॉर्ड। महान है पिता, इसलिए वो कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया यहोशू ने? उसने कुछ मांगा? वो सिर्फ उस संगति के साथ रहा। वो एक सच्चा साथी बना, वो एक सच्चा साथी बना। हमें एक सच्चा साथी बनना है। अगर हम अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, हमें सच्चा साथी बनना है अपनी पत्नी का। अगर हम अपने पति को प्यार करते हैं, तो हमें सच्चा साथी बनना है अपने पति का। अगर हम अपने बेटे से प्यार करते हैं, तो हमें सच्चा साथी बनना है अपने बेटे का। अगर हम अपने पिता से प्यार करते हैं, तो हमें सच्चा साथी बनना है अपने पिता का। हमें पता होना चाहिए कि पिता को क्या चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि नहीं, प्रार्थनाएं कितनी जरूरी हैं, प्रार्थनाओं की शक्ति क्या है, वचन की शक्ति क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। इसलिए साथी का मजबूत होना बहुत 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 जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 5:9-11, सही साथी का मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सही साथी हमें सही मंजिल पर आराम से पहुंचाता है। जब सही साथी आपके पास होगा ना मेरी बहन, आपको अशांति नहीं आएगी, आपके मन में शांति रहेगी, आनंद बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हैं, दुनिया आपको समझे या ना समझे, मेरा पति मुझे समझता है। दुनिया मुझे समझे ना समझे, लेकिन मेरी पत्नी मुझे समझती है।
दुनिया मुझे समझे ना समझे, मेरा पासवान मुझे समझता है, मेरा अगवा मुझे समझता है, मेरा दोस्त मुझे समझता है, मेरा मसीह भाई मुझे समझता है, क्योंकि हम मसीह में एक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसके संग संगति करें। पहला कुरिन्थियन 5:9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को यह एडवाइस दे रहा है, मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि व्यभिचारियों के साथ संगति मत करना। ध्यान दीजिए अब। हाँ जी, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उनसे व्यवहार, क्योंकि उनको तो हमें सुसमाचार सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसकी संगति नहीं करनी है, सुनो, क्योंकि मुझे यारा, पर मेरा कहना यह है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई बहन कहलाकर व्यभिचार करता है, सवाल यहां पर क्या है, आपको किसकी संगति नहीं करनी है? जिसको आप, जिसको परमेश्वर ने आपकी संगति के लिए दिया है, और अगर वो व्यभिचार में पड़ जाए, वो अगर बात ना माने, वो अगर परमेश्वर के वचन से भटक जाए, वो अगर शैतान का हो जाए, व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। Praise the Lord. क्योंकि ऐसा आदमी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएगा। और अगर आपका साथी, जिसे आप साथी समझते हैं, वो कमजोर है, तो आपके लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप खतरे में आ सकते हैं। प्रार्थना में रहिए, आपका साथी मजबूत हो जाए। अपने साथी को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करिए, उपवास करिए, घर में मीटिंग्स करिए कि मेरा साथी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पिता परमेश्वर के सामर्थी विश्वासी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस 3:1-5 देखिए, दूसरा तिमोथियस 3:3, हाँ, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आगे पढ़िए, दूसरा तिमोथियस 3:1-5, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में, कितने विश्वास करते हैं कि अभी अंतिम समय चल रहा है? हालेलुया, अंतिम समय। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रहे कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, पर निंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। अंतिम समय में कौन होंगे, दोबारा पढ़िए बेटा, दूसरा से जोर से पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निर्दक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के वही नहीं वरन सुख विलास की ही चाहने वाले होंगे। अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है यहाँ पर, बात क्या हो रही है, प्रभु की बात हो रही है, विश्वासियों की बात। लेकिन अगर आप ये वचन पढ़ेंगे तो आप लिखा होगा अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे, स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, अहंकारी होंगे, उदंड होंगे, और परमेश्वर की निंदा करने वाले होंगे, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले होंगे, ये सारे लोग होंगे। तो क्या ऐसे लोग पहले नहीं थे? क्या मूसा के समय ऐसे लोग नहीं थे? स्वार्थी नहीं थे, घमंडी नहीं थे, परमेश्वर की निंदा करने वाले नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड, व्यभिचारी नहीं थे? थे। तो इसमें क्यों लिखा हुआ है कि अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे? अंतिम समय में विश्वासी ऐसे होंगे, समझ रहे हैं आप? आप जो अपने आप को पवित्र समझते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं नहीं हिल सकता, अंतिम समय में विश्वासी ऐसे होंगे। पुराने समय में आम लोग ऐसे थे, लेकिन अंतिम समय में विश्वासी ऐसे होंगे जो स्वार्थी होंगे, जो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, अहंकारी होंगे, उदंड होंगे, माता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, अविश्वासी, विश्वासघाती, ढीठ और मिथ्याभिमान, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे, वो होंगे विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। समस्या ये है, इसलिए जो आपका साथी है उस पर आप ध्यान दीजिए, कहीं वो स्वार्थी तो नहीं है, कहीं वो लोभी तो नहीं है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि नहीं, मेरा पति विश्वासी है, मेरी पत्नी विश्वासी है। नहीं, हमें ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पांचवा पढ़िए, देखिए क्यों। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, क्योंकि वे भक्ति का भेष धरेंगे, वो विश्वासी होने का भेष धरेंगे, वो चर्च आएंगे, विश्वासी होने का भेष धरेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हिल हिल के प्रार्थना भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसों की संगति मत करना। भैया देवाशीष जी हंस रहे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। ऐसों की संगति मत करना, क्योंकि ये लोग भक्ति का भेष धरेंगे, पूरी नीति से आएंगे, चर्च आएंगे, इतने अच्छी तरीके से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रमाणित होते हुए नहीं देखेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? ऐसों की संगति मत करना। बिल्कुल मेरी बहन, अपने आप को जांचिए, यही बाइबल में लिखा हुआ है बार बार, अपने आप को जांचिए। अगर आप अपने आप को नहीं जांचेंगे मेरे भाई, अगर आप अपने आप को नहीं जांचेंगे तो अपने साथी को नहीं जांचेंगे। अगर आपको अपने साथी की हर बात अच्छी लग रही है तो आप ही कमजोर हैं, आपको पता ही नहीं वचन क्या है। आपका साथी क्यों है? ताकि आपको करेक्ट करे। सच्चा साथी कौन है? मैं अगर अपने बेटे का साथी हूं तो मैं एक्यूरेट उसे सच्ची बात बताऊंगा। अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो जो सही होगा उसे बताऊंगा, ये नहीं कि उसको खुश करने के लिए बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे ऐसा साथी चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा बेटा ऐसा हो कि वो मुझे भी पूरी ईमानदारी के संग मेरा साथ दें, कि नहीं पापा इस समय मूड में नहीं है, बोलो मत, पापा से ये चाहिए, नहीं इस समय नहीं, इस समय नो, सही सच्चाई, मुझे भी एक्यूरेट साथी चाहिए, क्योंकि मैं भी आसमाइश में आ सकता हूं। पौलुस कहता है कि मैं इसीलिए अपने आप को मारता कूटता हूं कि कहीं मैं प्रचार करूं और मैं ही आजमाइश में आ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे जो मिला है मैं उसको नहीं छोड़ सकता, जो मुझे
आशीष मिली है, जो मुझे सामर्थ्य मिला है, जो मुझे उत्तराधिकार मिला है, जो मुझे उस सिंहासन का आशीष मिला है, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। कोई भी कीमत, चाहे वो बेटे की हो, चाहे बेटी की हो, चाहे दोस्त की हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो, कोई भी कीमत पर मैं उस सिंहासन के आशीष को नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं मैं। इसलिए मेरा साथी कौन है? मेरा साथी अगर सही नहीं है, प्रार्थना करो, उसे सही बनाओ। मेरा सहपाठी कौन है? मेरा अगवा कौन है? मेरा पास्टर कौन है? अगर मेरा पास्टर गलत है तो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियन 5:22-33, इफिसियो 5:22-33। इसलिए हमारा साथी हमारा मजबूत सहारा है। पवित्र आत्मा एक साथी के रूप में परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन अगर हमारा साथी अच्छा नहीं है तो कभी कभी हम पवित्र आत्मा की आवाज को भी नहीं सुन पाएंगे। हेलो, पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए डाला है परमेश्वर ने, ताकि वो आपको समय समय पर आपकी अगुवाई कर सके। लेकिन अगर मेरी बहन आपका साथी अच्छा नहीं है, आपका जमीनी साथी अगर सही नहीं है, आपका जमीनी साथी अगर पूरी तरीके से परमेश्वर में समृद्ध नहीं है, तो हो सकता है आप परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनी ना पाए। आपका साथी आपको करे, आपका साथ, हम किसके लिए हैं बहन? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम भटके हुए थे, हमें रास्ता दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें साथी क्यों दिया परमेश्वर ने? ताकि हम भटके नहीं, और अगर मान लो भटके तो हमारा साथी हमें उठाकर सही रास्ते पर ले आए। ये नहीं कि हमें और भटका दे, नहीं नहीं तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रही है, नहीं 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 वेरी गुड, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो साथी नहीं चाहिए जो मुझे गलत रास्ता लेके जाए, नहीं, गलत है, गलत है। मुझे वो साथी चाहिए अगर मैं भटकूं तो मुझे रास्ते पर लेकर आए वचन के द्वारा। इसीलिए उस साथी को परमेश्वर ने दी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम शादी करो अपने बेटे की, तो एक मसीह लड़की से करो। सुलेमान का क्या हुआ था? सुलेमान ने नीति वचन लिखे, इतनी बुद्धि उसकी कि दूर दूर से राजकुमारी महारानियां आती थीं, राजा आते थे उसकी बुद्धि देखने के लिए, उसकी बुद्धि का परामर्श लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ? उसने दूसरी औरतों से शादी शुरू कर दी। वो राजाओं को शहर के शहर जीतता रहा और उनकी बेटियों से शादी करता रहा, शहर के शहर जीतता रहा, उनकी बेटियों से शादी करता रहा, दूसरे मूर्ति पूजक आदमियों की बेटियों से शादी करता रहा। क्या हुआ कि सुलेमान उनके साथ चला गया, आजमाइश में आ गया। वो जितनी औरतें थीं वो अपने अपने माहौल में उसको ले गईं, अपने रीति रिवाज में उसको ले गईं। वो जो परमेश्वर का बंदा था, जो इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी थी, वो मूर्ति पूजा करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं चाहिए ऐसा राज्य, नहीं चाहिए ऐसा कोई भी खिताब जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर दे, जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मान और सम्मान। सुलेमान को लालच आ गई थी, वो राज्य पे राज जीत रहा था और एक एक औरत से शादी कर रहा था, विभिन्न विभिन्न राज्यों की औरतों से, और आजमाइश में आ गया। उसने क्या सोचा? अरे मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, मैं लोगों को बुद्धि देता हूं, मैं थोड़ी आऊंगा आजमाइश में। लेकिन आ गया।
इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अगर सुलेमान आ सकता है तो मेरी और आपकी क्या औकात है। हम कहाँ हैं? सुलेमान जिसने रीति वचन लिखे, जो परमेश्वर का चुना था, अगर वो, इसलिए हमें दीनता के साथ नम्रता के साथ रहना है और हमें अपने आप को आंकना है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हमें संगति में रहना है। हम संडे के संडे मिलते हैं एक दूसरे से, नहीं, हमें बीच में भी जाकर एक दूसरे से घर में मिलना है, एक दूसरे को हमें वचनों के द्वारा और सशक्त करना है, मिलना है, बैठिए वचन के द्वारा बात करिए। कोई कमजोरी हो आप बताइए, बहन मैं कमजोर हूं, भटक रही हूं, प्लीज आप आइए, अगवे आएंगे आपके घर, इसलिए हमने गुरुवार की सभा रखी है ताकि आप कहीं हिले नहीं। इसलिए मैं अपने कलीसिया में अपने भाई बहनों को बोलता हूं, अपने अगवों को, घर में मत बैठो, मिलो एक दूसरे से। अगर आज हम परमेश्वर का ज्ञान हासिल करके दूसरों को आजमाइश से बचा सकते हैं तो कल परमेश्वर हमारे लिए भी किसी ना किसी को भेजेगा ताकि हम आजमाइश से निकल जाएं, क्योंकि हम कभी भी आ सकते हैं। आप अपने ऊपर घमंड मत करिए कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, नहीं भैया नहीं बहन, नम्र बनिए, दीन बनिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हमारे अंदर कोई अहम ना आए, घमंड ना आए, लालच नहीं आए, हम प्रभु के बंदे बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दीनता के साथ बन के रहिए। इफिशियन 5:22-33, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उत्तराधिकार उद्धार करता है। क्योंकि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, बहुत अच्छी बात है कि हमें पति के अधीन रहना है। Praise the Lord। अगर आपको कुछ जो दिखता है अगर आप उसको प्यार नहीं करती हैं तो जो नहीं दिखता है उसको कैसे प्यार करेंगे आप? Praise the Lord। इसलिए हे पत्नियों अपने पति पति के अधीन रहो और अपने पति को अपना सिर मानो, अपने पति को अपना सिर मानो। आगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, हाँ जी, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। 24 पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे, अपने अपने पति के अधीन रहे पत्नियां भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसको लेने आ रहा है? 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झूरी न कोई ऐसी न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देह है, पत्नी देह है, उसका सिर कौन है? उसका पति। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया एक देह है, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। यीशु का सिर कौन है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह जब परमेश्वर आने वाला है तो कलीसियों के साथ हमको लेके जाने वाला है। अगर हम अधीनता में नहीं रहेंगे, अपने पति की अधीनता में नहीं रहेंगे, अपने पासवान की अधीनता में नहीं रहेंगे, अपने अगुओं की अधीनता में नहीं रहेंगे, तब हमारे अंदर झुर्रियां आ सकती हैं, कलंक पैदा हो सकता है, पाप पैदा हो सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर झुर्रियां निष्कलंक और निष्पापी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और हम कलीसिया के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। कलीसिया इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और इस बॉडी की देह के अंग कौन है? हम हैं। इसलिए हमें भी अपने आप को संभालना है, हमें भी उस अधीनता के साथ रहना है। अगर हाथ का काम है झाड़ू लगाना, अगर हाथ का काम है कंघी बनाना, अगर हाथ के जो जो काम है हमें हाथ के काम कर रहे हैं जो हमें मिले, अगर जिसको पैर का काम मिला वो पैर का काम करेगा, जिसको आंखों का काम मिला वो आंखों का काम करेगा, जिसका मुंह का बोलने का काम है वो बोलने का काम करेगा। इसलिए जो काम हमें मिला है ईमानदारी से
अधीनता के साथ रहकर हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। 29 क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं क्योंकि रखा किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा है वरन उसका पालन पोषण करता है। अगर हम अपने पति के अधीन हो जाएंगे, अगर हम उसकी देह के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि पति हमारा पति पत्नियों का सिर है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप उसकी बॉडी बन गए उस दिन आपका पालन पोषण निश्चित है। हम जिस दिन उसके अंग बन गए, हम जिस दिन कलीसिया के अंग बन गए, उस दिन हमें रोक कोई नहीं सकता, हमें बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, हम अपने आप बढ़ेंगे। हमें कलीसिया का अंग बनना है, हमें देह का अंग बनना है। वो आप किस रूप में है ये आप देखिए, लेकिन आपको कलीसिया का अंग बनना है। अगर आप कलीसिया के अंग नहीं है तो आप वो आशीष नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे एक बेटा अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा लेकिन बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बेटा कोई मेहनत कर रहा है, बेटी कोई मेहनत कर रही है नहीं, लेकिन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से जुड़ी हुई है। अब माँ बाप उसके लिए कर रहे हैं, उसको कपड़े ला के दे रहे हैं, उसको खाने के लिए दे रहे हैं, वो नहीं मांग रहा है तब भी दे रहे हैं, वो कम खा रहा है उसको और खिला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसे दे रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। लेकिन कब है? जब तक वो आपके बच्चे हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। जब तक हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं हमारा पालन पोषण होता रहेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, यह वचन बोलता है आप कलीसिया के साथ ईमानदारी के संग जुड़ के रहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके धंधे चलेंगे, अपने आप आपका पालन पोषण होगा, अपने आप। काम के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए, वचन के पीछे भागिए। yes. परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बनाया है। 2 कुरिन्थियों 5:18 परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेविका ही दी है, इसलिए उसने कहा है संगति में रहो, तुम्हारी संगति सही होनी चाहिए। 5:18 2 कुरिन्थियों 5:18 और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मेल मिलाप मसीह में परमेश्वर ने हमसे किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है, हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी है, तो वो सेविकाई जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दी है उस सेविकाई को हमें धरती पर अपने साथी के साथ लेकर चलना है। उस सेविकाई को हमें लेकर चलना है, वो सेवा के साथ चलना है, क्योंकि हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 7:32-34 के बीच में, 1 कुरिन्थियों 7:32-34 के बीच में, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे रखे। अब देखिए यहाँ पर अविश्वास, ये पति पत्नी के बात में बारे में बात हो रही है जो विवाहित है और अविवाहित है। वो क्यों कहता है कि आप अगर विवाहित नहीं है तो विवाह मत करिए, अगर आप विवाहित है तो अपनी पत्नी को अपने परिवार को संभालिए। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है आप चिंता मत करिए। अविवाहित पुरुष जो होता है वो प्रभु की बातों की चिंता करता है। देखिए अगर आपका साथी, अगर आप अविवाहित हैं तो आप अकेले चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो आप किसकी चिंता कर रहे हैं? प्रभु की। प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु के बारे में जान रहे हैं, प्रभु के बारे में उठ रहे हैं, प्रभु के बारे में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगला,
आगे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों में चिंता रहता है कि अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न करेगा, अपनी पत्नी के लिए क्या करेगा, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपका साथी सही है, अगर आपका साथी विश्वासी है, अगर आपका साथी मजबूत है, तो वो आपको अपनी चिंता नहीं, वो मिलकर परमेश्वर की चिंता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अगर आप गलत साथी के संग विवाह करेंगे तो आपको संसार में लेकर जाएगा वो साथी। संसार, उसके लिए खाना, उसके लिए आप वही चिंता कर रहे हैं, मैं अपनी पत्नी को क्या दूं, अपने बच्चों को क्या दूं, उसके लिए मुझे खाना बनाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे वो करना है, आप उसी चिंता में लगे रहेंगे, यानी कि आप खतरे में। मेरी बहन, परमेश्वर कहता चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मैं करूंगा। आप इस बाइबल को समझिए, इस वचन को समझिए। अगर आप अपने परिवार की चिंता करेंगे तो परमेश्वर नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप चिंता करें परमेश्वर ना करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करे? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करे, तो आप परमेश्वर की चिंता करिए। जिस दिन आपने बीड़ा उठा लिया, नहीं, मेरा बिजनेस को मैं चलाऊंगा, मेरे परिवार को मैं लेके जाऊंगा, उस दिन परमेश्वर दूर हो जाएगा। फिर आप करिए। आमीन। इसलिए अगर आपका साथी सही है तो आपको सही गाइड करे। नो 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 नो, धंधे के पीछे मत भागो, प्रभु के पीछे भागो। क्योंकि प्रभु है तो हम हैं। अगर प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरी बहन, अगर प्रभु हमें नहीं मिला तो हमें कुछ नहीं मिला, ये याद करिए मेरी बहन। इसलिए अच्छी संगति होना बहुत जरूरी है। इसलिए पति पत्नी और संगति, इसका एक टाइटल मुझे और भी याद आ रहा था। इस सब्जेक्ट का टाइटल मैंने आपको पहले नहीं बताया, बता रहा हूं, पति पत्नी और वो। हालेलुया। अब वो कौन है? संगति। वो कौन है जिसके साथ आपको चलना है? प्रेज द लॉर्ड। अब ये लोग वो को गलत समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपका साथी आपका मजबूत मसीह होना चाहिए, जिसके संग हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके संग आप 24 में से 4 घंटे गुजार रहे हैं। विश्वास करिए, उसका मजबूत होना जरूरी है, ताकि आप घर में भी परमेश्वर की बात कर सकें, वचनों की बात कर सकें, प्रभु की बात कर सकें, मिलके प्रार्थना कर सकें। तब हमारी मजबूती हमें और परमेश्वर के करीब लेकर आएगी। हमारा एक साथ, एक दृष्टि के साथ, एक मन के संग, एक प्रेम के संग जब हम चलेंगे, तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में निश्चित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।